हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी साइकोलॉजी और पेडागॉजी की क्लासेस आप डेली पढ़ते ही हैं उससे, और उसके बीच में मैंने एक और एक्स्ट्रा क्लास इंक्लूड की हुई थी अपनी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, यानी कि उसमें जो हमारे की पॉइंट्स हैं लाइक थ्योरीज हो गई और फैक्टर्स हो गए, वो किसने दिए हैं, और थ्योरीज़ के जो नाम्स हैं वो किसने दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स उठ कर आते हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो सारे फैक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं। तो हर क्लास के अंदर मैं आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं। इससे पहले वाली एक और वीडियो अपलोड हो चुकी थी जिसमें मैंने 10 फैक्टर्स इंक्लूड किए थे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, और उसके बारे में डिस्कस भी किया था। तो उसके नेक्स्ट क्लास में मैंने आपसे उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। अब ये वाली आज की क्लास में भी मैं 10 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो आपको पता होने चाहिए, रिवीजन करते रहना, बिकॉज ये फैक्ट्स ही आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इनके बारे में हमने थ्योरेटिकल बिल्कुल डिटेल में डिस्कस भी किया है। अभी मैंने आपको इंटेलिजेंस का चैप्टर पढ़वाया है तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, लेकिन आपको ये की पॉइंट्स में भी मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आ गई बिकॉज आपको ईजी लर्न होगा कि वहाँ आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट आंसर रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि का द्वि शक्तियों का विकास। द्वि शक्ति मतलब टू फैक्टर थ्योरी, इट मींस टू फैक्टर थ्योरी। आपकी टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? मैंने आपको जब इंटेलिजेंस की क्लास करवाई थी तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी। तो बुद्धि द्वि शक्ति का विकास किसने किया? स्पीयरमैन ने। फर्स्ट का आंसर। उसके बाद है त्रि आयाम बुद्धि का सिद्धांत। त्रि आयाम यानी कि थ्री डायमेंशनल किसने दी थी? 3D थ्योरी भी जिसको बोलते हैं, ये आपकी किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्लीज़ इसको लर्न कर लेना। गिलफोर्ड ने आपकी त्रि आयाम बुद्धि यानी कि 3D और 3D थ्योरी के बारे में डिस्कवर किया था। मैंने थ्योरेटिकल, आप मेरी वीडियो देख लेना, 3D वीडियो है 3D के ऊपर, 3 फैक्टर थ्योरी, तो उसके अंदर प्रॉपर मैंने आपको समझाया हुआ है कि कैसे उन्होंने 3D अपने उसमें सिद्धांत में रखी थी कि फर्स्ट डायमेंशन क्या है, सेकेंड, थर्ड, और उनके की पॉइंट्स क्या है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो वो आप देख लेना। उसके बाद आता है बुद्धि संरचना का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट आता है हमारा बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अब बुद्धि संरचना क्या, कि वो जो इंटेलिजेंस है उसकी जो एबिलिटी यानी कि संरचना स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया? वो भी हमारा गिलफोर्ड ने बनाया। ठीक है, चलिए मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, वो भी आपके गिलफोर्ड ने बनाया था। उसके बाद आता है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? समूह मीन्स ग्रुप। ग्रुप फैक्टर थ्योरी का मैंने एक नाम पूछा था इस वाली वीडियो के अंदर, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत का एक और नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए कि इसका दूसरा नाम क्या है ग्रुप फैक्टर थ्योरी का। तो अभी ग्रुप फैक्टर थ्योरी हमारी किसने दी थी? थर्डसन ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी हमारी किसने दी है? थ्रॉनडाइक ने। आप देखते रहिएगा, ये वाली क्लास के अंदर मैंने थ्रॉनडाइक के काफ़ी सारे जो उनकी थ्योरी थी, ट्रायल एंड थ्योरी, और बाकी किन किन नामों से बुलाते हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, तो आपको लर्न होना चाहिए। तो फर्स्ट नोट कर लीजिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? थ्रॉनडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारा थ्रॉनडाइक ने दिया था। सेकेंड है प्रयत्न एवं भूल। प्रयत्न मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, और भूल मतलब आप उनको भूल गए हैं, फॉरगेट कर रहे हैं, वो वाली, यानी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी आपका किसने दिया? थ्रॉनडाइक ने। ये सारे एक ही थ्योरी के की पॉइंट्स हैं। ये जो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट, ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं भूल, ये एक ही थ्योरी है। इसके ये सब सब नेम्स है, मतलब एक थ्योरी, जैसे मान लीजिए मेरा नाम स्वाति है,
तो अगर मेरे घर पे मुझे कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई किसी नाम से, तो मेरा जो मेन नाम है वो स्वाति है, लेकिन मुझे कोई चिंकी बुला रहा है, कोई पिंकी बुला रहा है, यही सब नाम मेरे सबनाम हो गए, निक नेम्स हो गए। तो ऐसे ही थ्रॉनडाइक ने जो अपनी थ्योरी दी है उसके ये सारे नाम हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद मीन्स कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म का सिद्धांत किसने दिया है? ये भी हमारे थ्रॉनडाइक ने दिया है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी अलग है, जिसके अंदर भी स्ट्रिमुलस और रिस्पॉन्स का काम किया गया है, और थ्रॉनडाइक की थ्योरी के अंदर भी स्ट्रिमुलस और रिस्पॉन्स पे बल दिया गया था, लेकिन इसको कनेक्शनिज्म बोलते हैं और उसको क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। इसका सेकंड है उद्दीपन और अनुक्रिया। उद्दीपन देखिए अब आ गया, उद्दीपन मतलब स्ट्रिमुलस और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, यानी कि इसका एक और नाम है। इसका हिंदी वर्जन ये है और इंग्लिश वर्जन ये है। इसको इन शॉर्ट ऐसे पूछ लेते हैं, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? सेम थ्रॉनडाइक। और इसी को अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करके देखूं तो उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत किसको बोलते हैं? थ्रॉनडाइक को। तो सेम इसका आंसर भी थ्रॉनडाइक। एक चीज़ याद रखना कि ये वाली जो है, आप अगर आप सोचेंगे कि ये इंग्लिश में है एसआर थ्योरी, तो जब हिंदी में पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है, और जब इंग्लिश में पूछेंगे तो एसआर करके पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है वो आपसे एसआर करके पूछे। जैसे अभी लिखा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है, तो वो एसआर की जगह आपसे स्ट्रिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी के जन्मदाता कौन है ऐसे पूछ सकते हैं कि वो थ्योरी किसने दी है। तो आपको शॉर्ट भी पता होना चाहिए और उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि उद्दीपन अनुक्रिया मीन्स स्ट्रिमुलस और रिस्पॉन्स, एसआर मीन्स स्ट्रिमुलस और रिस्पॉन्स, दोनों कोई कौन है? थ्रॉनडाइक है। उसके बाद आता है अधिगम का बंधन सिद्धांत। अच्छा, लास्ट हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो है अधिगम का बंधन सिद्धांत। ये भी हमारा थ्रॉनडाइक ने दिया है। थ्रॉनडाइक ने कैसे दिया था? वो जो उन्होंने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसी के अंदर ये सारे नाम दिए गए थे कि कैट जो थी उसके सामने खाना रखा था और उसको खाना खाने के लिए स्टिमुलस दिया गया था कि आपको जब खाना मैं मतलब कैट हंगर है और आप उसके सामने खाना रख दोगे तो आपने क्या किया, उसको स्टिमुलस प्रोवाइड किया है ताकि वो झपट्टा मारे, इधर उधर पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करे। वो फर्स्टली ट्राई करेगी, नहीं हो पाएगा, सेकेंडली ट्राई करेगी, नहीं हो पाएगा, कोई तो ऐसा मौका आएगा, कोई तो ऐसा चांस आएगा जब जो पिंजरा सेट किया गया है वो खुलेगा, वहाँ पे जो लीवर सेट किया गया है उस पे हार पड़ेगा और वो पिंजरा खुलेगा और वो खाना ले लेगी, जो स्ट्रीमलेस उसे दिया गया है उसको प्राप्त कर लेगी। तो इसीलिए ट्रायल एंड एरर बोला था कि बार बार ट्रायल करेगी, एरर्स आएंगे और फिर प्रयत्न करेगी, भूलेगी भी, और फिर बार बार क्या है, कनेक्शनिज्म करेगी, मतलब मैंने ट्राई किया, एरर्स डेवलप हुए और मैं भूल गई, फिर लेकिन मैंने ट्राई किया, एरर्स आए, लेकिन फिर लास्ट में जाके मैंने क्या सीखा कि हाँ, लास्ट में वो वाली सिचुएशन क्रिएट हुई जब दरवाज़ा खुला, जब पिंजरे का जो दरवाज़ा है गेट खुला और मैंने खाना ले लिया, तो वो किस कंडीशन पे आया, तो वहाँ पे कनेक्शन वो जोड़ने की कोशिश करेगी कैट कि हमको कहाँ पे लास्ट में खाना मिला। तो जब अगली बार उसके साथ वही सेम चीज़ करी जाएगी तो उसको ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ट्रिगर पे बटन दबाया और सीधा बाहर निकल के खाना मिल जाएगा, ठीक है। तो कनेक्शनिज्म भी थ्रॉनडाइक ने दिया, स्ट्रिमुलस और आर थ्योरी जो बोलते हैं वो भी थ्रॉनडाइक की है। ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, और टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की, थ्री आयामी 3D गिलफोर्ड की, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। तो ये हमने 10 फैक्टर्स जो 10 फैक्ट्स हैं हमारी साइकोलॉजी के डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर 10 और डिस्कस करेंगे तो आपको ईजी होगा अच्छे से लर्न करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।